गुड मॉर्निंग साथियों, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ है किस अर्थ अहो समझो, जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इन टूटी फूटी पंक्तियों को हमने बोला, मुझे जो भी याद था, फिलहाल आप लोग सही सही जानते होंगे। कुल मिला के इसका यही एक उद्देश्य है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ परीक्षा देना ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, रीजन भी होते हैं, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना, बस अपना काम को दिल लगा के करना है बस। चलिए, सुबह आप 8 बजे से देखते हैं कक्षा 10 की NCERT मैथ। किसी विषम परिस्थितियों में ये क्लास नहीं होती है, नहीं तो हमारी कोशिश होती हर दिन ये क्लास चलती है। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं वो रेगुलर हर दिन देख पाते होंगे, जो नहीं किए हैं वो भी कभी कभार जुड़ जाते होंगे। अभ्यास 4 का जी चल रहा है, यानी कि एक्सरसाइज 4G। आप जानते हो आज इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 4G द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बड़े ही प्यार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लगभग सब कुछ पढ़ लिए हैं, सिर्फ 17 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 24 तक बचा हुआ है। मनोहर प्रकाशन की बुक के अकॉर्डिंग NCERT पैटर्न पर आधारित किताब से हम आपको सोल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 हैं। साथियों, इसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इसे स्टैंडर्ड फार्मूला आप बोल सकते हो। एक्स स्क्वायर और क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस, बता देना, बोलो। माइनस प्लस, ये माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है। इसमें होता है मूलों का योगफल। मूल हम अगर अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। इसी में मान रख देते हैं, बस आ जाता है एक पल में। देखिए, मूलों का योगफल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास मूल हैं दो, है ना। तो योगफल निकाल सकते हो, जोड़ सकते हो ना आप। चलो ठीक है, जोड़ लेते हैं। आप जानते हो -3 में क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है। ये कोष्टक खुलेगा, -3 और -1 हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, -4। मतलब मूलों का जो योगफल आया वो -4 आया। तो चलो ठीक है, यहाँ पर जगह कम है ना, हमें ही रख देंगे। एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, ये लो मैं साइड में बना दिया हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप -4 रख दोगे इंटू एक्स प्लस, मतलब समझते जाना, मूलों का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल। ये आप ऐसे कर लोगे अपने एग्जाम में भी, एक साइड में मूलों का योगफल गुणनफल निकाल लेना, दूसरी साइड में इसको कर लेना। अगर कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं लगती आपको तो आप पहले इसको कर लेना, बाद में नीचे इसको रख देना, बस कोई गलत नहीं काट सकता है। चाहे आप UP बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे MP बोर्ड से हो। देखिए, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाता है, इस तरह से ये +3 हो गया, ये रख दो बस। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है, माइनस है, अंदर में भी माइनस है, तो कोष्ठक खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स का गुणा हो जाएगा 4x + 3 = 0। ये आपका उत्तर हो गया, आपने किताब से मिला लीजिए, कोई भी किताब आपके पास है, सेम टू सेम यही आंसर आएगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, समझने की कोशिश करना, गारंटी हमारी होगी, बस आप समझते जाना, क्लास छोड़ के मत जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना 18 नंबर साथियों, ध्यान से देखना और पूरा देखना। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच में क्लास मत छोड़ना। द्विघात समीकरण 3x² - 7x + 5 = 0 के विविक्त कर ज्ञात करके मूलों के लक्षण बताइए। मूलों के लक्षण के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जब विविक्त कर डी का मान माइनस आए तो मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, प्लस आए तो वास्तविक होते हैं। ये ढेर सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। चलिए, तो विविक्त कर डी का मान आप जानते हो b² - 4ac होता है, कैसे निकालते हैं, लेकिन इसको भी देखना। देखिए, सबसे पहले तो आप समीकरण को लिख लोगे, जो भी आपको दिया गया है इसको हमने लिख लिया। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले देखो विविक्त कर जो होता है साथियों, वो होता है क्या, डी इक्वल होता है b² - 4ac होता है, बोलो यही होता है, कुछ और होता है, सूत्र बताना मुझे नहीं मालूम, जल्दी बोलिए क्या होता है, यही होता है ना, b² - 4ac। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो जान लें क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे डी का, बोलो।
पहले बी का मान आना चाहिए ना, ए का मान आना चाहिए, सी का मान आना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से तुलना करने पर लिख दो द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड समीकरण, या फिर कुछ मत लिखो, ऐसे लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर। ये मैं आपको परीक्षा में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तुलना करने पर इसको लिख दोगे, तुलना करो ए एक्स स्क्वायर मतलब तीन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का अगर कंपेरिजन इससे करोगे तो ए का मान क्या आएगा तीन, बी एक्स सात एक्स, एक्स एक्स छोड़ दो बी सात बच रहा है तो ये क्या हो जाएगा सात, बट ऐसे नहीं लिखोगे अंधा में, बी बराबर सात, सी का मान देखो क्या है पाँच तो सी बराबर पाँच रख दो उधर साइड ले जा करके, बी स्क्वायर मतलब सात का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए का मान तीन सी का मान पाँच इक्वल हो जाएगा उनचास माइनस गुणा कर लो चार तिहाई बारह पंचे साठ, कितना आएगा ये साठ इक्वल घटाओगे कितना आएगा बारह आएगा क्या पचास दस साठ होता है ग्यारह आएगा माइनस ग्यारह। देखिए साथियों यहाँ पर क्या आया, इससे नहीं मतलब है, यहाँ पर जो मान आया माइनस आया कि प्लस आया इससे मतलब होता है, यहाँ पर प्राप्त जो मान आ रहा है विभक्तकर डी का मान वो माइनस में है अतः मूल काल्पनिक होंगे। लिख दो चूंकि विभक्तकर या फिर डी का मान माइनस में है निगेटिव है या ऐसे लिखो हिंदी में ऋणात्मक है अतः मूल काल्पनिक होंगे। ये चीज आपको समझना होगा कि मूल कब काल्पनिक होते हैं कब वास्तविक होते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया है। जब विभक्तकर डी का मान माइनस आएगा कभी भी कुछ भी आए, इससे नहीं मतलब कि 11 आया तो काल्पनिक होगा, ये 10 आता 5 आता माइनस 128 आता माइनस 2000 आता माइनस 8000 आता, सिर्फ माइनस से मतलब है तो मूल काल्पनिक होंगे, प्लस आएगा तो वास्तविक होंगे असमान होंगे और बहुत सारी कंडीशन है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है पिछली क्लास में आपने देख लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखना पूरी क्लास देखना साथियों। अगला सवाल हमारे लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बात ध्यान देना क्लास भले 15 से 20 मिनट की हो लेकिन उसमें कम से कम 7-8 सवाल हो जाएंगे, इसलिए क्लास को बहुत गौर से देखना पूरा स्किप मत करना। और हाँ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस सेशन को तो तुरंत लाइक कर देना और पीबीआर स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, बेल आइकन जानते हो ना यूट्यूब पे, अगर उसको ना करोगे तो क्लास ना मिलेगी, सब्सक्राइब भले कर लो उसको बहुत जरूरी होता है करना, बेल आइकन प्रेस करना। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें जिससे आपको ये क्लास फेसबुक पर भी मिल सके, इंस्टाग्राम पर भी आप ये क्लास अगर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें, हर जगह आप क्लास पा सकते हैं कहीं भी कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि निम्नांकित कथन यानी कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इन कथनों को पढ़ करके समीकरण में व्यक्त करना है, ठीक मतलब समझना। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। अब भिन्न जानते हो सभी, टेंथ में पढ़ रहे हो, अंश हर भी जानते हो, जीरो लेवल तो पढ़ा नहीं रहे, नहीं तो वहां पे पढ़ाए हैं, जिनको नहीं आता वो जीरो लेवल देख लेंगे, ठीक। और अंश व हर में से दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है तो समीकरण बताओ क्या होगा। चलिए हमारे पास भिन्न तो है नहीं, हमने मान लिया कि माना भिन्न बराबर क्या कुछ भी मान लो वेरिएबल में, x बटा वाई या a बटा b कुछ भी मान लो, हमने मान लिया माना भिन्न बराबर x बटा वाई। चलिए प्रश्नानुसार कह रहा कि भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 5/4 हो जाता है, अंश इसका x है हर y है, एक जोड़ो दोनों में ये और मान कितना हो जाता है इसका 5/4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब साइड में दिख रहा है ना, लिख लो पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे पुनः प्रश्नानुसार मतलब दोबारा से प्रश्नानुसार, और फिर दूसरा कंडीशन कर दो बस हो गया आंसर, यहाँ पे लिखो पुनः प्रश्नानुसार, लिख लेना अपना अच्छे से सुंदर से, एक घटाने पर दोनों में से देखो लिखा है ना
घटाने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, घटा लो दोनों में से एक, ये एक घटा लो, बराबर क्या हो जाता है 3/4। ये समीकरण बन गया, बस यही समीकरण है। ये दूसरा समीकरण लिख दो, बस यही उत्तर हो गया। इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, कह रहा केवल समीकरण बनाइए बस। कितना आसान था ना, बहुत मज़ेदार है बाबू ये। बस कोशिश करते रहना, और प्रतिदिन सुबह 8 बजे से ये क्लास होती है, देखना मत भूलना। अब हम चलेंगे विस्तृत उत्तरीय सवालों पर, जिसमें आप 4 सवाल देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24 तक। पूरा क्लास देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना क्लास को। अगला सवाल आ चुका है साथियों, विस्तृत उत्तरीय सवाल है। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, रहमान की आयु मतलब एज वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट टाइम उसकी उम्र क्या है, किसकी, रहमान की। चलिए, जैसे अगर कहा जाए कि हमारी जो आयु का योग है वो 5 वर्ष बाद हमारी आयु के योग का उल्टा कुछ और हो जाएगा, तो हमारी आयु बताओ, कैसे बताओ, नहीं पता ना। मानेंगे, जो पूछा जा रहा है उसको मानते हैं, चलो ठीक है, जो कह रहा है जैसे जैसे वैसे वैसे कर लेना बस। वर्तमान आयु पूछा है, हमने लिख दिया माना रहमान की वर्तमान आयु, नोट करते जाना जब कहेंगे तब, जब तक ना कहेंगे तब तक ध्यान से देखना, लिखना मत एक अक्षर। माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, तुमको नहीं सुनाई पड़ रहा जी, छाप लो बस, फिर यही करना, लिखना जल्दी जल्दी, समझना मत एक को, कभी ना आएगा, ध्यान से देखो इधर सभी लोग। देखिए, ये हो गया एक्स वर्ष, ये क्या हो गया, रहमान की वर्तमान आयु। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये बताओ वर्तमान में जो एक्स वर्ष का है वो 3 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा। अरे भाई ऐसे सोच लो कि जैसे अगर आज पूजा, पूजा मतलब पूजा आरती करने वाला नहीं, मतलब पूजा किसी लड़की का नाम है, मान लेते हैं कि आज वो 13 साल की है, कितने साल की, 13 ईयर की है। अब ये 13 ईयर की जो छोटी सी बच्ची है, ये अगर कहा जाए कि अब से 3 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी, 3 वर्ष पहले, बताइए भाई, 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 13 - 3 मतलब 10 साल की रही होगी ना, कितने की रही होगी, 10 साल की। तो वैसे जो रहमान आज एक्स साल का है, अगर 3 वर्ष पहले बात करेंगे तो x-3 है ना, तो यहां पर लिखो नीचे, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर x-3 वर्ष। ठीक, बात समझ में आ रही ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x-3 वर्ष। अब आगे देखना, जो कह रहा वही वही करना, बस टेंशन मत लेना, आ जाएगा। यहां तक हमने कर लिया था ना, ये रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात। देखिए, ये तो आयु हो गई, लेकिन इसका व्युत्क्रम नहीं लिखा मैंने, पहले इसका व्युत्क्रम भी कर लो। तो इसका व्युत्क्रम अब यहां लिख लो, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो साथियों, एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/x-3 वर्ष। देखो व्युत्क्रम का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा 7, अब मैं बोलूं कि 7 का व्युत्क्रम बताओ तो क्या होगा, जानते हो 7 का व्युत्क्रम 1/7 होगा। कैसे, चूंकि ये अकेले 7 नहीं है, ये 7/1 इसको लिख सकते हो कि नहीं, 7/1 है ना, व्युत्क्रम का मतलब उसको पलट दो, 1 ऊपर 7 नीचे। ठीक, अगर इसका व्युत्क्रम बोले 1/7 तो क्या होगा, 7/1 होगा, मतलब समझ गए ना। तो वही तो मैंने किया, x-3 का व्युत्क्रम 1/x-3। अभी पहली कंडीशन चल रही है, ध्यान से देखना, दूसरी कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। पहला हो गया सब, दूसरा देखना क्या कह रहा है, बहुत गौर से देखना। अब पूर्व वाली बात हो गई पूरी, अब कह रहा है
अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब पहले बाद वाला देखो, अब लिखो 5 वर्ष बाद, बाद नहीं पश्चात लिखा है, पश्चात लिखो शुद्ध शब्द है पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी बताओ। एक्स अभी प्रेजेंट में है, 5 साल बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जो बच्ची अभी आज की डेट में 13 साल की है वो 3 वर्ष पहले कितने साल की थी, 10 साल की थी। अगर हम उसी के बारे में बात करें कि पूजा आज 13 साल की है तो 5 साल बाद कितने साल की होगी, तो आप इसमें 5 जोड़ दोगे मतलब वो 18 साल की हो जाएगी। बात समझ में आया ना। वैसे रहमान क्या होगा, 5 साल बाद 18 साल का नहीं, वो एक्स प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। अब लिखो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, लिखो नीचे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/x+5। बात समझ में आई, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, जैसे ये हुआ था वैसे वो भी हो गया। देखो अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, या फिर वीडियो को रोक करके लिख सकते हो, ठीक ना, जिससे हम बगल में लगा तो देंगे फिलहाल लेकिन नहीं मजा आएगा। कर लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी करिए, हो गया, बस वीडियो को रोक लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो, और लिख लीजिए फिर आगे चलाइए। साथियों अब ये कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखना, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। योग तो मैंने किया ही नहीं, अभी तो हमने केवल व्युत्क्रम निकाला है। अब चलिए लिखिए प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका योग करना है व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम जो आया है सभी को याद है ना, योग करना है तो योग कर देना है बराबर करके, कितना कर देना, 1/3, बस यक्ष का मान निकाल लोगे यही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हम सवाल को कहो तो मिटा दें जिससे एक बार में लगा दें, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल को देखिए मैं मिटा देता हूँ, मतलब समझ लेना जो योग आया है आपने लिखा है ना, टेंशन मत लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो फिर से दिख जाएगा जो मैंने मिटाया है। ये मत सोचना कि तो मिटा दिए हम लिखे ना पाए, वीडियो को पीछे कर लो फिर से दिखेगा। देखिए हाँ अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 था ना, हाँ 1/3 है। तो व्युत्क्रम आए थे साथियों 1/(x-3) और प्लस, देखो योग कह रहा है तो प्लस करेंगे, बाद वाला आया था x+5 बराबर 1/3। आप लोगों ने लिखा होगा ना इसको, नहीं लिखा तो बता दो। चलिए इसको हल करके x का मान निकाल लो, बस इतना करना है भाई, ये तो हल करना पड़ेगा क्योंकि आप 10th में पहुंच चुके हो हाई स्कूल में। तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, ये यहाँ पर हम एरो लगा दे रहे हैं, x+5 का इसमें मल्टीपल होगा x+5, x-3 का इसमें होगा x-3, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा, कर लो x का x में ये हो जाएगा x2, x5 में ये हो जाएगा +5x, -3 का x में -3x, -3 का 5 में -15 बराबर का होगा 1/3। इतना बात क्लियर है, अगला लाइन देखना। देखो साथियों अब आपको इसको छोटा करना किसी तरह काट पीट के, बस चूंकि x का मान निकालना है तो अब कर क्या सकते हो आप, देखो आप एक काम कर सकते हो, वो क्या है पता है, ये +5x ये -3x ये घट जाएगा, पहले एक लाइन में यही कर लेते हैं, या फिर हम थोड़ा शार्ट कर दें, लेकिन शार्ट करना आपको समझ में ना आएगा इसलिए हम एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। ये लो ये हो जाएगा x2, ये 2x हो जाएगा और -15 बराबर 1/3। देखिए हाई स्कूल की मैथ है, जिनको ना समझ में आ रहा होगा वो जीरो लेवल मैथ कर सकते हैं ज्वाइन, वहाँ से हम बहुत अच्छे से इसको एकदम घोल के पिला देंगे आपको, ठीक ना। तो ये हाई स्कूल की मैथ है, ध्यान देना इतना, ये हो गया 15 ना, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल करो, ये बराबर वाला सिस्टम ख़त्म करो। आपने देखा होगा कि जब कहीं 3/4 बराबर 5/7 होता है तो तिरछा गुणा करके ख़त्म नहीं कर देते हो ना इसको, है ना, तो वही करना है। चलिए
क्रॉस मल्टीपल करोगे तीन का इधर साइड में, आप एक काम भी कर सकते हो, इन तीन इनको आपस में गुणा भी कर सकते हो। तो चाहो तो आप आपस में इनका गुणा भी कर लो, जरूरी भी है। चलिए गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? करके देखो इसमें भाई, क्वेश्चन नंबर ये 20 है, इसके बाद हम अगला बताएंगे 28 नंबर, ठीक ना? एक बात ध्यान देना यार यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे देखो प्लस लगा था ना, प्लस लगा था ना, वही मुझे काफ़ी ताज्जुब हो रहा था, मैं सोच रहा था कि गड़बड़ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप प्लस मत लगाना, भूलना, यहाँ पर भी प्लस लगाओ, अब तो और आसान हो गया, ठीक? अब और आसान हो गया, ऊपर कोष्ठक खोल के पहले हल कर लो। कोष्ठक खोलोगे ये हो जाएगा एक्स प्लस पाँच प्लस एक्स माइनस तीन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस पंद्रह बराबर एक बटा तीन, ये 15 है। अब तो और आसान हो गया, ये देखो एक्स एक्स जुड़ जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो नीचे हम लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे लिख सकते हैं ना, अभी तो दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो जाएगा साथियों कुल मिला के एक्स एक्स जुड़ के दो एक्स, और प्लस माइनस घटेगा तो प्लस का दो आएगा, नीचे एक्स का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का 15 इक्वल 1/3। अब आप इधर साइड में हल कर लो, क्रॉस मल्टीपल वाला सिस्टम जो है, ठीक ना? चूंकि इधर जगह नहीं ना, ये लो साइड में, चलिए तिरछा गुणा कर लो अब इसको, बस इसका इसमें कर लो, इसका इधर कर लो, तो ये हो जाएगा तीन का इसमें गुणा करोगे तो, मैं लगा के पहले चिन्ह लिख देता हूँ जिससे बड़ा भले हो जाए लेकिन आपको समझ में आए। देखो मैंने क्या किया, तीन का इसमें गुणा करना है, हमने केवल चिन्ह लगा के लिख दिया बस, इसका पूरे का एक में करोगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, एक में गुणा करने पर वो संख्या हूबहू ऐसे उतर जाती है जैसे ही दी होती है, बस यही पूरी कहानी है, गुणा कर लो आ जाएगा। ये गुणा करोगे 6x हो जाएगा, और प्लस ये 3 दूना 6 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। देखो ये 6x उधर जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, है ना? तो कम्प्लीटली ये 6 भी उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जानते हो? कितना हो जाएगा पता है साथियों? ये आपका जुड़ जाएगा, वैसे क्यों जुड़ जाएगा देखो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, इधर से सबको उधर ले जाओ, इधर जीरो हो जाएगा, उधर सब चले जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये माइनस छः एक्स, और ये माइनस पंद्रह उतार लो, इधर का छः उधर जाएगा, माइनस हो गया। आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आगे जीरो काहे लिखे हैं, भाई इसको पलट भी सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, सब पूरा उधर कर लो जीरो, कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे अभी लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, और फाइनल में अगर इसको आप और आगे करोगे, यहाँ पर ही आप इसको पलट सकते थे, इधर उधर कर सकते थे, उससे मतलब नहीं, भी हम लास्ट में कर देंगे। ये जोड़ोगे तो 6 दो क्या हो जाएगा, 8, 8x होगा कि घटेगा बताओ? देखो ये जुड़ भी सकता है, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये माइनस था, प्लस था, प्लस था ना, तो ये प्लस रहेगा, ठीक? अब ये प्लस माइनस घटेगा, तो घटेगा जानते हो 4x आएगा, और ये जुड़ेगा तो माइनस 21 हो गया। चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब हल कर लो, द्विघात समीकरण आ गया, मूल निकाल लो, उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका मूल निकालोगे साथियों तो आप जानते हो कि गुणा करने पर 21 आए, घटाने पर 4 आए, जोड़ने पर नहीं, चूंकि यहाँ माइनस है, बताओ कोई दो नंबर। देखिए 7 3 21 और 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा, इस तरह से आप इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ये 7 माइनस 3 और एक्स माइनस 21 बराबर 0। बहुत ही स्पष्ट हो गया ना बात, एक्स का स्क्वायर माइनस ये देखो 7x और ये प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। एक्स कामन निकाल लो, एक्स माइनस 7 धन 3 कामन निकाल लो, x माइनस 7 बराबर 0। इसके दो उत्तर आएंगे, x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0।
यक्स का मान जो है 7 आएगा और -3 आएगा। बारी बारी से जीरो के बराबर करोगे, जानते हो ना, दो मान आ रहा है यक्स का, माइनस वाला मान छोड़ दोगे, क्योंकि किसी की आयु जो है माइनस में नहीं हो सकती है। जैसे मैं बोलूं कि बताओ चलो मेरी आयु कितना है, आप कह दो आप -25 साल के हो, तो माइनस में थोड़ी होता है किसी की आयु, माइनस वाला छोड़ देंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, नीचे लिख लेना, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना, 7 वर्ष। साथियों अगला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, ये हो चुका है। इसके अगली क्लास में हम लोग जो बचे हुए 3 सवाल हैं उसको करेंगे। इस तरह से आपका द्विघात समीकरण पूरा हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत है तो उसे आप निसंकोच हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फ़ोन कॉल कर भी सकते हैं। और हाँ, अगर आप 10th की पूरा कंप्लीट मैथ घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आपको मात्र 599 रुपये का पेमेंट करना होगा, वो भी सिर्फ एक बार करना होगा, सिर्फ एक बार करना होगा, पूरा कंप्लीट मैथ आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी। और अगर इसको नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखना, और फेसबुक पर PBR स्टडी को लाइक और फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, ट्विटर पर हर जगह लाइक और फॉलो करना, आप फ्री की क्लासें देख सकते हो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा।